Hey guys, welcome to my channel. So in today's video, I'm going to show you a recipe that is hilsa fish, shorshe hilsa fish, a Bengali traditional dish. और उसके बाद हम जाएंगे एक मेले पे, मम्मी पापा और मैं. ये हैंडलूम मेला है जहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं, अपने अपने लाइक जम्मू कश्मीर बोलो आप, त्रिपुरा से भी है, हर जगह से लोग कपड़े बहुत कुछ लाते हैं. अभी हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. जो हम हिल्सा फिश बनाने जा रहे हैं, सरसों हिल्सा फिश, तो उसके लिए हिल्सा फिश जो मम्मी ने पहले से फ्राई करके रखा है. सो ये है सरसों पेस्ट, सॉल्ट, कोकोनट पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड ग्रीन चिली. सो पैन गरम हो चुका है और अभी हम कौन सा ऑयल डाल रहे हैं मम्मी? रिफाइंड ऑयल. रिफाइंड इससे अच्छा होता है. ओके और ये मैं हिल्सा का सरसों और नारियल से जो बना रही हूँ, ये यहाँ का बहुत फेमस है और बहुत ही यम्मी है. आप ट्राई करके देखिए, जब बनाने के बाद देखेंगे ना, बट ट्राई करके देखिए. क्योंकि हिल्सा यहाँ का फेमस फिश है, राइट? बांग्लादेश का है पद्दा, और बहुत ही महंगा है. पद्दा हिल्सा बहुत ही महंगा है, राइट? हाँ, बहुत ही महंगा है. एंड यहाँ लोग कोई फिश खाए या ना खाए, लेकिन ये फिश जरूर खाते हैं. राई का पेस्ट डाल दिए मैंने, राई का पेस्ट डाल दिए और ये थोड़ा हिला के, अच्छा से हिला के थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा. नारियल का पेस्ट, कोकोनट पेस्ट, शेडेड कोकोनट का पेस्ट चाहिए. आप कहीं से भी कैसे भी कोकोनट ले सकते हो. कोकोनट देने से ना थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बनता है ना. वैसे सर तो टेस्टी है, लेकिन कोकोनट से ज़्यादा बनता है. मुझे भी आता है ये बनाना, मैंने भी बनाया बॉम्बे में. यहाँ आके ही सीखी हूँ, ससुराल में जा आके ही सीखी हूँ. आपने पहले कभी नहीं खाया? नहीं, ऐसा नहीं खाया हम लोग. अच्छा, हम लोग जहाँ रहते थे हिस्सा ज़्यादा नहीं मिलता था, तो हम लोग खाए ही नहीं. यहाँ आके बहुत खाना शुरू किया. अच्छा, और बहुत ही टेस्टी है. तो मुझे हिल्सा होने से, हम दूसरा मच्छी इतना पसंद नहीं करते, कि हिल्सा होने से हमें दो पीस भी खा लेते हैं. तो कब खाएंगे हिल्सा? हिल्सा के अंदर जो अंडा होता है, एग, वो बहुत ही यम्मी होता है, हिल्सा एग. तो अभी आपने क्या डाला? ग्रीन चिली. कितने डाले? 4-5. जिनको जितना खाना है, लोग तीखा खाना है या तो नहीं खाना है, उनके हिसाब से. अभी हम मसाले डालेंगे. अच्छा, एक साथ डाल दिया मम्मी ने हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट, नमक अनुसार, सॉरी स्वाद अनुसार, नमक अनुसार. हाँ, तो इससे तेल निकलेगा क्या बाद में? कोई कोई क्या करते हैं, बनाने के बाद ऊपर से तेल डाल देते हैं, उससे और भी यम्मी होता है. लेकिन अभी तो तेल ज़्यादा खाना उतना अच्छा नहीं है बोल के हिल्सा से बहुत तेल निकलते हैं. बंगाली खाने होते हैं यम्मी, यहाँ पर भी जाओ बंगाली ना खाना सुन के, अच्छा फिश खिलाओगे, चिकन खिलाओगे, हाँ खाना बनता यम्मी है. मैं जब भी जाती हूँ तो मेरी बेटी के फ्रेंड ले, आंटी मुझे फिश खिलाइए, चिकन उतना नहीं चाहिए, फिश खिलाइए, फिश हाँ. खिलाए, मैं खिलाती हूँ. तो अभी क्या करना है इसमें? इसमें अभी पानी थोड़ा डालना है. ठीक है, अब डाल दो. ये सूखा होने से ज़्यादा अच्छा होता है, सूखा बनाने से. लेकिन उतना सूखा नहीं बनाने से तो खा नहीं सकते ना चावल के साथ. थोड़ा जूसी बनाएंगे. अच्छा, एक और चीज बताओ, एक जो पातूरी बनता है ना इसका, हिल्सा पातूरी, जो हम लीव्स के अंदर इसको वो वैसे ही वो फ्राई करना नहीं पड़ता है, वो कच्चे में वो सब डाल के जो बनाना पत्ता है उसके अंदर फोल्ड करके थोड़ा कोई किसी रस्सी से बांध के फिर माइक्रोवेवन, अभी तो माइक्रोवेवन है, माइक्रोवेवन में करते हैं, नहीं तो हम लोग तवा में. वो और भी यम्मी होता है. तो पानी डाल रहे हो अभी? वो बहुत ही यम्मी होता है स्टफ वाला भी. चलो अभी पानी डाल दिया है मम्मी ने. मच्छी इतना सुंदर दिख रहा है, ग्रीन चिली, येलो कलर का ग्रेवी. अच्छा, अभी फिश डाल रहे हो? हाँ डाल दो.
सो मम्मी भी फिश डाल रही है। आप इसको राउंड राउंड भी काट सकते हो। सो मम्मी ने हार्ट शेप काटा है, मतलब मच्छी अंडा है ना, अंडा निकल जाता है, काट के लाए अंडा निकल जाता है। वो देखिए अंडा देखिए कितना सुंदर है। सो मम्मी ने 6 पीस डाले हैं, आप लोग कितने भी डाल सकते हो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। अब ये पकेगा। रेनी सीजन में ना इसमें अंडा नहीं होता, अंडा नहीं होने से और भी टेस्टी होता है। अभी तो अंडा हो जाएगा, पर मुझे अंडे वाला अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तुम्हें जो बच्चे लोग को तो अंडे वाला ही अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अंडा नहीं होने से और भी स्वाद होता है। सो ये हिल्सा फिश रेडी हो गया है, सरसों हिल्सा फिश, और ये ऐसा दिखता है और ये बहुत ही यम्मी है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करो घर पे हिल्सा फिश लाके, हर जगह मिलता है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन आप लोग खा सकते हो। और चलो अभी हम लंच इंजॉय करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे आपको बताएंगे। सो पापा, आपको दोपहर को जो हमने हिल्सा फिश बनाया था वो कैसा लगा खा के? हिल्सा इज ऑलवेज वेरी फेबुलस फॉर मी एंड इट्स टू मच टेस्टी, आई लाइक इट वेरी मच। अच्छा, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं त्रिपुरा का जो फेमस ट्रेडिशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स फेयर में। हाँ, तो वो दिखाएंगे आपको, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, लेकिन दिखाएंगे हम। अभी उधर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उधर मिलते हैं आपसे। तो ये है हैंडलूम एक्सपो, इसके अंदर हम जा रहे हैं और ये यहाँ से ऐसा दिखता है। आपको थोड़ा आवाज़ कम आएगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ बहुत बहुत आवाज़ है, पर आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी क्या क्या है। तो मैं मम्मी पापा ये पूरा इंजॉय कर रहे हैं, ये हैंडलूम मेला बहुत ही सुंदर है, हर मतलब नॉर्थ ईस्ट का हर चीज़ यहाँ मिलता है। सबने, मम्मी पापा और मैंने, तीनों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ देखा, मतलब नॉर्थ ईस्ट के बहुत कुछ थे ना यहाँ पर, कश्मीर का भी था, उत्तर प्रदेश का था, लेकिन बहुत जगह से आया है। हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स का जो मटेरियल से वो ड्रेस मटेरियल से हैंडीक्राफ्ट्स का मटेरियल से वो बहुत फेमस है, उसका ये कलेक्शन है, वो ये डिस्प्ले है। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन माय वीडियो, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन बाय बाय बाय। Thank you.